नमस्कार, मैं हूं वारिस खान और आप देख रहे हैं एसआर लाइव निमाड़ न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भगवानपुरा के विद्यार्थियों के साथ निजी बस चालकों परिचालकों द्वारा लगातार किया जा रहा है अभद्र व्यवहार। 30 लाख रुपए की सहायता राशि से रोटरी खरगोन स्कूलों में फर्नीचर और संसाधन उपलब्ध करा रही है। बमनाला में वाणिज्य विषय शुरू होने से विद्यार्थियों में खुशी का माहौल है। खरगोन के चिकित्सक डॉक्टर संदीप राणे को मिला आयुर्वेद प्रभा का सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। खरगोन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दराज से शासकीय स्कूलों में पढ़ने आ रहे बच्चों के लिए आवागमन का एकमात्र साधन निजी बसें हैं। भगवानपुरा के विद्यार्थियों के साथ निजी बस चालकों परिचालकों द्वारा लगातार किए जा रहे अभद्र व्यवहार को लेकर छात्र संगठनों में काफी नाराजगी है। स्कूली छात्र छात्राओं के साथ बस चालकों द्वारा आए दिन किए जाने वाले अभद्र व्यवहार के विरोध में कार्यवाही करने के लिए छात्र संगठन एबीवीपी के तत्वावधान में छात्र छात्राओं द्वारा भगवानपुरा थाना प्रभारी जीएस सेमलिया को ज्ञापन सौंपा गया। ये छात्रों से बस में चलती बस में उतार दिया गया था, इस संबंध में आया तो छात्राओं से दुर्व्यवहार भी किया गया था। कौन सी बस है? मान नर्मदा। बस नंबर? MP9S9907। रोटरी इंटरनेशनल से प्राप्त 30 लाख रुपए की सहायता राशि से रोटरी खरगोन स्कूलों में फर्नीचर और अन्य संसाधन उपलब्ध करा रही है। सर्वप्रथम आज रोटरी क्लब खरगोन अपना रोटरी दिवस मना रहा है और उस दिवस के ऊपर सर्वप्रथम हमने महिलाओं के अंदर कैंसर की जो दो तरह की जांच होती है, जो यूट्राइन कैंसर यानी गर्भाशय कैंसर के लिए पेप्समेयर टेस्ट की व्यवस्था की है और जो स्तन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी की व्यवस्था की है, जो साधारणतः 5-10 हज़ार रुपये प्रति मरीज से इन्वेस्टिगेशन किसी बड़े शहर में होता है, जो आज की तारीख में पूर्ण रूप से निशुल्क व्यवस्था रोटरी क्लब खरगोन की यजमानता में खरगोन में आयोजित की गई है। प्रथम दिवस शासकीय चिकित्सालय के अंदर वह बस सुविधाएँ दे रही है और उसके पश्चात आसपास के इलाकों के अंदर यह सुविधा देने के लिए काम प्रारंभ किया है आज। दूसरा, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय का जो न्यास या फाउंडेशन या ट्रस्ट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर रोटरी क्लब, रोटरी मंडल एवं किसी अंतर्राष्ट्रीय रोटरी क्लब की सहभागिता के साथ में आवश्यक प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, जो स्कूल प्राथमिक और माध्यमिक जिसमें बच्चे आज टाटपट्टी पर बैठ रहे थे, उस तरह की अनेक स्कूलों में तकरीबन 1200 सेट फर्नीचर का प्रदान का लोकार्पण कार्यक्रम अभी संचालित हुआ है और रोटरी क्लब खरगोन के अध्यक्ष विवेक जैन, गुल्डी चावला सचिव, प्रोजेक्ट कॉन्टैक्ट शालिनी रतोड़िया, प्रोजेक्ट कमेटी मेंबर्स में राठौड़ जी और यादव जी का महत्वपूर्ण योगदान है और सैकड़ों बच्चों को अपनी शिक्षा में सुविधा के लिए यह बेंच डेस्क उपयोगी रूप से प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा रोटरी उन सभी विद्यालयों को एक हैप्पी स्कूल के रूप में आगे भी डेवलप करने में अपना योगदान देती रहेगी। उसी तारतम्य में जिस तरह से रोटरी क्लब खरगोन यहाँ इस समाज को सेवा दे रहा है, उसी तरह से विश्व भर में 35,000 अलग अलग रोटरी क्लब मानवता की सेवा करने के लिए जुटे हुए हैं। समाज सेवी एवं पूर्व अध्यक्ष शालिनी रतोरिया का इन प्रयासों में विशेष योगदान शामिल है। महोदय को एक बार आभार को आज दिया जा सकता है। आज रोटरी डे है, वैसे सेवा करने वालों को किसी सम्मान की जरूरत नहीं होती। खरगोन जिले के शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल बमनाला में वाणिज्य विषय शुरू हो जाने से विद्यार्थियों में खुशी तो है, लेकिन समस्या ये है कि बैठे कहाँ। विश्व आयुर्वेद परिषद ने खरगोन शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर संदीप राणे को उनकी विशिष्ट चिकित्सा सेवाओं के लिए सम्मानित किया है। जबलपुर में आयोजित समारोह में आयुष मंत्री जालम सिंह ने उन्हें आयुर्वेद प्रभाकर सम्मान से नवाजा है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संदीप राणे है। मैं विगत 8 वर्षों से आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा से लोगों को चिकित्सा सेवा दे रहा हूँ, जहाँ पर मेरे यहाँ हर किस्म के लोग, हर तरीके की दवाइयाँ, बुजुर्ग से लेकर, महिला से लेकर, बच्चों से लेकर, सभी तरह के लोगों को सभी तरह की बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जाता है।
जिसमें आयुर्वेद की विभिन्न पंचकर्म थेरेपियाँ हमारे यहाँ होती है, जिसमें जटिल रोग भी आसानी से ठीक होते हैं और उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब कि वो रोग दोबारा नहीं होते। आयुर्वेद में ही एकमात्र ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें रोग पुनरावृत्ति मतलब दोबारा बार बार होने की संभावना ना के बराबर होती है। अन्य चिकित्सा पद्धति के हम देखें तो उससे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति काफ़ी अच्छी और फलदायी होती है। इसीलिए मुझे विश्व आयुर्वेद परिषद के एक कौशलम कार्यक्रम में, जिसमें हमारे माननीय आयुष मंत्री जालम सिंह द्वारा आयुर्वेद का एक प्रभाकर सम्मान दिया गया, जिसमें आयुर्वेद के जितने लोग आयुर्वेद में अच्छा कार्य करते हैं और आयुर्वेद में लोगों के लिए एक अपनी अच्छे कार्य और अच्छे लोगों को अपनी आयुर्वेद की सेवाएं देते हैं, उनके लिए सम्मान रखा गया था, जहां पे मुझे जबलपुर में आमंत्रित किया गया। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।